नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि आज राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो है 9888 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जहां पे बता दें कि पूरे बिहार में ये नियुक्ति पत्र बांटा गया है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने भी नियुक्ति पत्र बांटा है। वही बता दें कि मुजफ्फरपुर में भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री भी है, वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर के एल एस कॉलेज प्रांगण में भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। देखिए, भूमि राजस्व विभाग के माध्यम से आज जिन लोगों को जमीन के हकीकत और सच्चाई को सर्वे कर करके लोगों के जमीनी झगड़ा को समाधान करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्देश जो मिला है और ये नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। बिहार में हमारे नौजवानों को इस तरह के नियुक्ति पत्र अब लगातार मिलेंगे और हमारी जो समस्याएं पहले से ठहरी हुई है उस समाधान की ओर आगे बढ़ेगा। भूमि विवाद काफी इससे होता था, क्या इस अब समाधान की उम्मीद लगाई जा सकती है? निश्चित तौर पर एक सकारात्मक प्रयास है, इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा। वही बता दें कि पटना में सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटते हुए जो अभ्यर्थी है और जो राजस्व विभाग में अधिकारी है उन सभी से अपील की है कि जो भी भूमि विवाद का मामला है उन सभी को जुलाई तक निपटारा कर ले। हालांकि इस बात से सहमति जताते हुए भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आश्वासन दिया है कि जुलाई से पहले ये सभी जो विवाद है वो खत्म हो जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि देखिए 2005 से पहले भूमि विवाद का कितना मामला था, और अधिकतर मामला में जहां पर लोगों की हत्या हो जाती है भूमि विवाद से जुड़ा हुआ मामला आता है, इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और एक साल के अंदर में, यानी कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, और अगले जुलाई के अंदर में ही इन सभी को निपटा लिया जाए ताकि जो भूमि विवाद बिहार में है वो अब नहीं रहे। हालांकि जो अभ्यर्थी है जिनको नियुक्ति पत्र मिला है उनमें काफी ज्यादा खुशी दिखी गई है, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी सीएम नीतीश कुमार ने दिया है और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी है और अपील की है कि जल्द से जल्द जो भी भूमि सुधार से जो भी मामला है, जो भी विवाद का मामला चल रहा है उन सभी को जुलाई से पहले निपटारा कर ले। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।